सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। सत्संग सेवा और सुमिरन, सत्संग सेवा और सुमिरन। सबसे पहले नंबर पे सत्संग है, दूसरे नंबर पे सेवा है, तीसरे नंबर पे सुमिरन है। पहले नंबर पे सत्संग करो, बिना सत्संग के ना सेवा होगी ना सुमिरन होगा। पहले नंबर पे सत्संग है और दूसरे नंबर पे सेवा है, क्योंकि सेवा के बिना सुमिरन नहीं होगा। सेवा पवित्र करेगी धन को भी तन को भी, रजोगुण वही दूर करेगा, रजोगुण ये सेवा दूर करेगी। और भक्ति तभी होगी, मन तभी लगेगा जब रजोगुण खत्म होगा। और रजोगुण कैसे खत्म होगा, तो सेवा से। इसलिए जो सीरियल बनाया हमारे महापुरुषों ने हमारे शास्त्र में, प्रथम है सत्संग। आपने तो सुमिरन और सेवा की बात पूछी ना, तो इससे भी पहले है, तीसरी तो बात आप भूल ही गए, इससे पहले है ये सत्संग। सारे काम छूट जाए, भगवान भी खड़े हो ना, मना कर दो, अभी नहीं दर्शन, अभी सत्संग चल रहा है, अभी आपकी बात नहीं करेंगे, अभी सत्संग चल रहा है। कबीर दास जी तो यहां तक लिखा है कि राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए, जो सुख लव सत्संग में सो वैकुंठ ना होए। क्योंकि जीव के लिए जब तक शरीर में हम हैं, तब तक भगवान दो नंबर पे हैं, और सत्संग भले भगवान को तीसरे नंबर पे रखो। पहले नंबर पे सत्संग और दूसरे नंबर पर सेवा और तीसरे नंबर पे सुमिरन, एकांत भजन चिंतन जो भी करते हो तीसरे नंबर पे है। और यही देख लो आप घर में, अब आपके पति को सुबह सुबह ड्यूटी जाना है, आपके बच्चों को स्कूल जाना है, और आपका 64 माला का नियम है। अब बताइए पहले नियम करेंगे 64 माला 8 घंटे भजन, बताइए पहले क्या होगा, भजन सुमिरन पहले करें या पति को ड्यूटी बच्चों को स्कूल पहले भेजे, का सेवा पहले कि भजन पहले? सेवा पहले है। और ये अक्कल कहां से आएगी, तो इससे भी पहले सत्संग है, नहीं तो ये अक्कल भी नहीं आने वाली है। पहले सत्संग है, फिर सेवा है, और फिर दूसरी बात है, यदि सत्संग कर रहे हो तो तीनों काम इकट्ठी चलेंगे। हाँ। यदि जिंदगी में सत्संग आ गया, हर समय अकेले भी सत्संग होगा। कैसे, जब भी तुम सेवा करोगे, एक तो नाम जप करते करोगे, चिंतन करते करोगे, भगवान की प्रसन्नता के लिए करोगे, निष्काम करोगे। ये अक्कल कहां से आई, ये सत्संग से। तो 24 घंटे सत्संग तुम्हारे अंदर चल रहा है, नहीं ऐसा नहीं करना, ऐसा सत्संग में ऐसा सुना था, ये तो गलत नहीं, माफ कर दो, कोई बात नहीं, इस तरह की बातें मन में 24 घंटे आप अपने आप को सत्संग सुना सुना करके, बुद्धि के द्वारा जो सुना हुआ सत्संग है, फिर आप उस सत्संग को बुद्धि के द्वारा अपने मन को सुनाते हो, फिर कहते हो नहीं भजन भी करो, नाम जप भी करो, ये सेवा भी करो, ना हरी भूलो ना जग छोड़ो, कर्म कर जिंदगानी में रहो, दुनिया में तुम ऐसे कमल रहता है पानी में, हाथ काम मुख नाम हो, हृदय सांची प्रीत, दरिया गृहस्थ साधु की यही उत्तम रीत। ये सत्संग की बातें आपके दिमाग में गूंजती रहेगी 24 घंटे, अपने आप को सत्संग सुनाते रहो बुद्धि के द्वारा मन को, और उस हिसाब से सेवा कर्म करते रहो, और भगवान का भजन चिंतन करते रहो, और जब खाली बैठे फिर आंख बंद करके ध्यान में लग जाओ। हाथों से जब कोई काम ना करो तो माला जपो, विश्राम ना करो। तो प्रथम है सत्संग, सत्संग के पीछे भगवान भी छूट रहे हैं छोड़ दो, सत्संग के पीछे सेवा छूट रहे हैं छोड़ दो, लेकिन पहले सत्संग, क्योंकि सत्संग के बिना। अच्छा बताइए आप तीन बातें, सेवा की और उसकी सत्संग की। खीर आपने उबालनी रख दी, खीर बन रही है, दूध चलो सिंपल दूध लगा लो, और पास में आपके दूध को घुमाने के लिए कहीं लग ना जाए नीचे चम्मच रखा है। आप बताइए दूध उबल रहा है या लग ना जाए, जल ना जाए, तो उसको चम्मच से घुमाते हैं, तो चम्मच से घुमाना सेवा है दूध की। अब दूध की सेवा पहले करोगे चम्मच से घुमाओगे, या जिस चम्मच से घुमाना है सेवा करने, उस चम्मच में जो खटाई लग गया उसको मांजना पहले है, पहले कौन सा काम करोगे? मांजना पड़ेगा। बोलो, दूध की सेवा पहले करोगे कि उसको मांजोगे पहले? अगर बिना मांजे दूध की सेवा करोगे तो सेवा सेवा रह जाएगी दूध की, जो खटाई चम्मच में लगी है, अगर चम्मच की सेवा उसको साफ नहीं किया, तो बिना साफ किए यदि दूध की सेवा करने चलोगे हो जाएगी सेवा? तो सत्संग से मन साफ होगा और उसके बाद तब तुम सेवा कर पाओगे, नहीं तो बिना सत्संग के बिना ज्ञान के ज्ञान पूर्वक अगर सेवा करोगे वहां भी सर्वनाश कर दोगे। एक बंदर का उदाहरण, एक बंदर को सिखाया गया, उसको जो है
राजा की सेवा कैसे करनी, सिखा दिया पंखे से हवा करते रहो, एक भी मक्खी ना बैठ जाए। राजा सो गए, बगल में बंदर और बीच में अपना हवा। अब यहाँ हवा करे पाँव की तरफ मक्खी, पाँव की तरफ जाए बंदर तो नाक पे मक्खी बैठे। बड़ा क्रोध आया बंदर को, बड़ा परेशान। बगल में राजा की तलवार रखी थी, तलवार उठा ली। अब जहां भी बैठेगी मक्खी मारी दूंगा इसको मैं, ये राजा को तंग कर रही है। और जब नाक पे मक्खी बैठी, एक मारी तलवार खींच के बंदर ने। अब क्या होगा, अब कहने की आवश्यकता नहीं क्या हुआ उस समय। अब बताइए, उसको ज्ञान नहीं सेवा कैसे की जाए, अज्ञान पूर्वक सेवा कर रहा है, राजा को नकटा बना दिया। इसी प्रकार हम बंदर बन के सेवा करेंगे क्या होगा, पहले ज्ञान। और ज्ञान कहां से मिलेगा, सत्संग से। बिन सत्संग विवेक ना होई, विवेक का मतलब ज्ञान, बिन सत्संग विवेक ना होई, अर्थात बिना सत्संग के तुमको ज्ञान ही नहीं होगा। जब ज्ञान ही नहीं होगा तो करोगे क्या, श्रेयो ही ज्ञान अभ्यासात, गीता में कहा श्रेयो ही ज्ञान अभ्यासात। श्रेष्ठ है ज्ञान किससे, सेवा से, कर्म से। इसलिए हम कर्म तो करें लेकिन उससे पहले सीख लें। अभी आपने जैसे बताया कि भक्ति तो हम पहले भी करते थे लेकिन गीता का ज्ञान सुना, क्योंकि हमने प्रवचन की गीता पे, रोज 15 मिनट की हमारी बंदे एक श्लोक के ऊपर व्याख्या करते थे हम रोज, और वो सब जगह जाती तो अमेरिका भी पहुंचती। तो सुन सुन कर इनको लगा पता कि अरे राम राम, अब तक हम गलती कर रहे थे, कर काम अच्छा रहे थे लेकिन फल पूरा नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि सत्संग का भाव, ज्ञान का भाव, पहले सकाम भक्ति करते थे, निष्कामता नहीं थी, बात बात पे गुस्सा भी आ जाता, किसी का विरोध भी कर देते, और भावना नहीं थी, सेवा भावना। तो कहां से भाव आ जगह, ज्ञान से। हमारे प्रचुन हर रोज एक जो निकलती थी 15-20 मिनट की एक क्लिप, और एक श्लोक की उसकी हम व्याख्या करते हैं गीता की। अब वो सुन सुन के व्याख्या गीता की समझ गए कि कर्म अब भी वही कर रहे हैं लेकिन भाव चेंज हो गया है ना। पहले भी सेवा कर रहे थे लेकिन उस सेवा का वो फल नहीं, उतना महत्व नहीं जितना महत्व ज्ञान पूर्वक की गई सेवा का है, और ज्ञान मिलेगा सत्संग से। इसलिए हम लोगों को सबसे पहले नंबर पे सत्संग रखना चाहिए, और दूसरे नंबर पे सेवा, और तीसरे नंबर पे भजन। अब तुम कर्म पलट के देख लो, भजन एक नंबर पे कर दो, सेवा दो नंबर पे, घर नरक बन जाएगा, घर के दुनिया नरक बन जाएगी, भजन को तीसरे नंबर। और यहां देख लिए जो नवदा भक्ति उपदेश किया है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, किस लिए, पहले ज्ञान सीखो, और दूसरी रति मम कथा प्रसंग, अर्थात उनसे मेरी कथा सुनो, ज्ञान प्राप्त करो, और गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, अहंकार का त्याग करके अब सेवा करो। और उसके बाद फिर पांचवें नंबर की बात आई, मंत्र जाप मंदिर विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, भजन पांचवें नंबर पे रख दिया भगवान ने, अपना भजन पांचवें पे रखा, और सेवा को तीसरे नंबर पे, और ज्ञान को सत्संग को एक नंबर पे भगवान नवदा भक्ति में रख रहे हैं। और जब भक्ति आएगी अंदर, फिर भगवान अब भक्ति का रहस्य बता रहे हैं क्या, छठ दम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। अब बन जाओगे, क्या गृहस्थ में हो, सज्जन बन जाओगे अगर इस रीति से चलोगे तुम। और बाद में इतनी भक्ति बढ़ेगी, इतनी भक्ति परिपक्व हो जाएगी कि सातम सम मोही मैं जग देखा, और मोते संत अधिक कर लेखा। तुम्हारी भक्ति क्या फल रंग लाएगी, फल क्या मिलेगा, तुमको सब मेरा रूप नजर आएगा, और मेरे संत मुझसे भी बढ़कर तुम मानने लग जाओगे। मेरी सेवा में भले चूक कर दोगे लेकिन संत सेवा में कभी चूक नहीं कर पाओगे यदि तुम्हारे अंदर मेरी भक्ति आ गई। क्योंकि जब मेरी भक्ति तुम्हारे अंदर आएगी, मेरी भक्ति से तुम्हारे भीतर वो भाव आएगा कि भगवान से भी बढ़कर मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम करदासा। भगवान की सेवा से भी अधिक भगवान प्रसन्न होते हैं अपने भक्तों के, संतों की सेवा से। भोग तो भले हम मत लगाना मंदिर में, लेकिन अगर संतों को लगा दिया तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। आप स्वयं ही देख लो, मंदिर में भोग लगा और एक संत भूखा, उसको रोटी नहीं खिलाना, कुछ ना देना, कि अपने मन भगवान को खिला दिया, हाथी के पांव में सबके पांव आ गए, ये और कह दो श्लोक आगे से सुना दो कि कहा शास्त्रों में कि एक सदे सब सदे सब साधे सब जाए, रहीमन सींचे मूली को फूले फले आगाए।
कहते हैं पेड़ की जल में उसमें जड़ में पानी डाल दो, पत्तों तक पहुंच जाएगा। ऊर्ध्व मूल मदह शाखा मस्वत्थम प्राहुरभ्यम, है ना। तो कहा कि भगवान का मूल तो, सृष्टि का मूल तो परमात्मा, हमने भगवान को ही भोग लगा दिया, तब किसी को लगाने की आवश्यकता नहीं। तो आपने क्या किया, भक्ति तो की है, भजन तो किया है, भगवान का भोग लगाया, लेकिन सेवा नहीं की, तो प्रणाम क्या निकलेगा, भगवान रिझेंगे नहीं। इसलिए पहले नंबर पे सत्संग, दूसरे नंबर पे सेवा, तीसरे नंबर पे एकांतिक भक्ति, पूजा पाठ चिंतन सुमरण जो करते हैं। और इसमें मेरी माताओं के कई बार प्रश्न आते हैं कि मैं क्या करूं ऐसी स्थिति में, इधर पूजा का नियम, इधर ठाकुर जी को जगा नहीं पाती समय से, घर के इतने झमेले झंझट। अरे उनको झंझट झमेले मत मानो, वो भी ठाकुर जी की सेवा, तुम उतने से को मंदिर क्यों मान रहे हो, ये पूरा घर ही ठाकुर जी का मंदिर है, और ये जितने भी पति पुत्र हैं सब भगवान के हैं, इनकी सेवा उन्हीं की सेवा, ऐसा पवित्र भाव रख करके आप लोग ये भाव किया करो।